بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات مختلف خطبات دے اندر تقوی دی اہمیت فرضیت و ثمرات فوائد دا تذکرہ جاری ہے کیونکہ قرآن پاک دی بہت ساری آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرن دا حکم فرمایا ہے گویا تقوی فرض ہے اور پھر انسان دے اندر تقوی پیدا کرن لئی مختلف ذرائع اسباب اعمال عقائد نظریات اور اعمال ارکان رکھے گئے جنہ دی وجہ تو تقوی پرہیزگاری للہیت انسان دے دل وچ وجود وچ پیدا ہو اس طرح نماز زکوٰۃ روزہ حج جتنے بھی ارکان اسلام نے انہاں دی بنیادی مقصد اور فائدہ یہی ہے کہ انہاں دے ذریعے تقوی نصیب ہو تو جو بات زیر باس ہے کہ جدو تقوی نصیب ہو جائے تو اس دے ثمرات فوائد اور انسان دی کیفیت کی ہوندی اور اللہ دی طرفوں رحمت دا نزول کس طرح ہوندا ہے اور اس دے ثمرات نتائج اہل تقوی نو کی نصیب ہوندا ہے اس مناسبت نال بہت ساری گزارشات کئی خطبات دے اندر بیان ہو چکیا نے اور آج بھی اسی حوالے نال گفتگو دا سلسلہ آگے بڑھان دی کوشش کراں
जदों अल्लाह तबारक व ताला ने हज दा जिक्र फरमाया कि जो आदमी हज दा इरादा रखे उसनों चाहिए है कि वो अपना ज़ादे राह अपना खर्च साथ रखे ताकि उस सफ़र दे अंदर उसनों कोई परेशानी ना हो। लेकिन साथ ही फरमाया कि असल ज़ादे राह ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे। एक इंसान के पास उस सफ़र के अंदर माल मौजूद है, पैसा मौजूद है, जिससे अपनी ज़ात ते जान ते इंसान खर्च करता है, लेकिन उस सफ़र के अंदर तकवा नहीं है, परहेज़गारी नहीं है, वो खर्च नहीं है, वो ज़्यादा राह नहीं है, तो गोया माल और दौलत की बुनियाद जिसका हज कबूल नहीं हो सकता जब तक तकवा ना हो। बल्कि कुरान पाक ने तकवा नो मोमिन दा लिबास करा दिया और फरमाया असल बेहतरीन लिबास वो तकवा है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने इसकी सराहत वजाहत दे अंदर ये बात बयान फरमाई, फरमा दे जिस इंसान ने लिबास कपड़िया की सूरत पहने हुए है लेकिन वो दे दिल तकवा मौजूद नहीं तो अल्लाह दे हाँ बरहना ही है, नंगा ही है, उसनों इस लिबास का कोई फायदा नहीं। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी मजबूरी बन जाए कि ये लिबास इंसान मुयसर ना होए लेकिन तकवा परहेज़गारी नसीब होए तो गोया इस नंगे इंसान ने भी लिबास पाया। बेहतरीन लिबास असल तकवा है और ये ऐसा लिबास जिहड़ा कदे पुसीदा नहीं होंदा, कदे फटदा नहीं, कदे उतरदा नहीं, मोमिन दे नाल हर वक्त लिबास मौजूद रहे। दूसरा जिहड़ा लिबास है कपड़िया की सूरत पुसीदा भी होंदा है, फट भी जाता है, खराब भी हो जाता है, बदलिया भी जाता है, किस वक्त लिबास इंसान ते होंदा है किसी हालत च नहीं होंदा, लेकिन तकवा एक ऐसा लिबास जिहड़ा मोमिन तो जुदा नहीं हो सकता, हर वक्त मोमिन के नाल नाल रहे। और इतना इंसान के वजूद नाल जुड़ जाता है कि कब्र भी साथ है और आखिरत भी साथ। जदों इंसान क़यामत नूं फरहना उठेगा उस दिन भी तकवे का लिबास इंसान के वजूद ते होए, यानी ना दुनिया अंदर ये साथ छोड़ता है और ना ही आखिरत। और ये तकवा का लिबास ही ऐसी रहमत और नियमत और इनाम है जिहड़ा इंसान को गुनाह तो महफूज रख। अल्लाह का डर खौफ इंसान ते गालिब और इसकी बहुत सारी मिसाल मौजूद ने कि ये लिबास उतर चुका है लेकिन तकवे का लिबास मौजूद है और इंसान को अल्लाह ने उस गुनाह तो बचन दी और तौफीक अता फरमाई। सहीह बुखारी अंदर वो मारूफ हदीस कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़े तीन बंदे गार फंस गए सन, गार दा मुँह बंद हो गया, उहदे चों एक इंसान ने दुआ की सी कि मेरे अल्लाह मेरे पास हुसीनो जमील औरत आ चुकी सी और मेरे कमरे अंदर मौजूद सी, हत्ता के रवायत अल्फाज मौजूद कि लिबास उतर चुका सी लेकिन ऐ मेरे अल्लाह मैनू तेरा डर आ गया। उस औरत ने कहा अल्लाह को डर
तो मैं इस हालत के अंदर गुनाह तो बच गया, तो है अल्लाह इस गार का मुँह खोल दे, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा दे। तो गोया असल लिबास तकवा है, जिहड़ा इंसान गुनाह नहीं करता रोकता है, वो अख के अंदर भी होंदा, वो कान के अंदर भी होंदा, उस जबान के अंदर भी होंदा, और वो हाथ भी होंदा, पाँव भी होंदा, दिलो दिमाग भी होंदा, यानी इंसान के अंग अंग अंदर रचिया बसिया होंदा तकवा। जे इंसान इस लिबास नूं पहन लवे, जिस्म का कोई उस गुनाह की तरफ नहीं जाता, गुनाह तो महफूज रहता इंसान, और इस कैफियत और इस मुकाम और इस हैसियत आ जाता है, कर रहा अलैकुम अल-कुफ्र वल-फुसूक वल-इस्यान, कि गुनाह उदे ज़हन च नापसंदीदा हो जाए, और गुनाह तो इंसान नफरत कर, बल्कि गुनाह देख के इंसान तकलीफ महसूस करता है और बर्दाश्त नहीं कर। इसी वास्ते हदीस रसूल रहमत सल्लम ने फरमा, मन रहा मिनकुम मुनकर, जदों तुहाडे च कोई इंसान कोई बुराई देखे तो उसनों हाथ ना रोके, और ना इस्तेतात होए तो जबान ना रोके, जबान की इस्तेतात ना होए तो दिल च बुरा जाने, वज़ालिक अज़फ़ुल ईमान, और ईमान गोया तकवे दा एक कमज़ोर तरीन ये हैसियत है कि इंसान उसनों दिल च बुरा जाए, और जदों गुनाह नूं रोके भी ना, ना हाथ ना जबान नाल और ना ही दिल च बुरा जाने, तो बतला उसका ईमान कहाँ है, तकवा कहाँ है, परहेजगारी कहाँ है, अल्लाह का डर कहाँ, कुछ भी नहीं। तो अपने जरा गरबा ने झांकी कि असी किस मुकाम पर खड़े, क्या गुनाह बुराई नु देख के असी हाथ नाल या जबान नाल या दिल च किस कैफियत के अंदर साडा ईमान, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईमान मौजूद ही नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि गुनाह नु गुनाह ही नहीं स्वयं, बल्कि रोकना तो दूर की बात है, इंसान की हालत कैफियत यह है कि खुद गुनाह अंदर रच बस चुका है, गुनाह करके खुश होता है, मुतमिन रहता है, कुछ नहीं होता, तो ये तकवा के खिलाफ चीज, जो गुनाह इंसान को हो जाए उस बाद हालत कैफियत होंगी है डर की, रोन की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाण की और तौबा की, इसनों तकवा क्या है, गुनाह तो इंसान को मुमकिन नहीं हो जाए, लेकिन गुनाह तो बाद इंसान की कैफियत की होगी, उसने दिलेर रहा, खुश रहता है, मुतमिन रहा, सुकून होंगे कि मैं गुनाह कर, तो फिर समझिए कि ना तकवा है ना ईमान है। और अगर गुनाह तो बाद जिस तरह हदीस सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन एक शख्स अल्लाह के सामने लाया जाएगा, और अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान नाल कान सरगोशी फरमाएंगे, जिदी आवाज़ और कोई शख्स नहीं सुनेगा सिवाय उस, अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे तू फला गुनाह कीता सी, जी मेरे अल्लाह हो गया सी गुनाह, फला गुनाह फला गुनाह, अल्लाह गुनाह इसे गिनवादा जाएगा, ये तस्लीम करता जाए, जो तो गुनाह ये गिनवाए जाएंगे और ये तस्लीम करेगा, तो अल्लाह फरमाएगा जाओ मेरी रहमत नाल मैं तुम्हें माफ़ किया और जन्नत चले। तो हदीस पाक है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा मुस्करा उठे खुश हो, तो अल्लाह तबारक व ताला इसको वापस बुला के पूछेंगे, मेरे बंदे तू इतने गुनाह किए और मैं गिनवाए और तू इकरार किया और मैं अपनी रहमत अल मुआफ़ किया और फिर इस बात पर हंस रहे खुश हो रहे, हंसी किस बात पर आई, तो ये अर्ज करेगा मेरे अल्लाह तू नहीं अंदर जो मेरे को गुनाह हो जाता सी तो मैं तो डर जाता, गुनाह तो बाद मेरे उत्ते कब कभी कैफियत तारी होनी, गुनाह तो बाद मैं तो रो पैंदा, गुनाह तो बाद मेरी तो हालत ही बिगड़ जाती सी, कि अगर मौत आ गई इस हालत जो अल्लाह ने माफ़ न किया तो की बने, इतने तो रहमत ही बड़ी सी और अनायात ही बड़िया सन कि सिर्फ तुसा गुनाह गिनवाए और माफ़ी फरमा दी, अगर यह कैफियत सी तो फिर मैं इतना डर क्यों जाता सा, तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे अगर गुनाह तो बाद तेरी वो कैफियत पैदा ना होती थी आज ये रहमत तेरे थे ना होती, ये रहमत उसी की वजह कि तेरी हालत कैफियत मेरे डर की वजह तो
बदलती सी और तू परेशान होता से गुनाह करके, तो अगर गुनाह करके परेशानी लाग होए, दुख होए, तकलीफ होए और तौबा दी तड़प पैदा होए कि और अजम होए कि दोबारा गलती और गुनाह मेरे को ना होवे जो हो चुका है, तो समझो कि अल्लाह की रहमत है और तकवा और ईमान की चिंगारी अंदर मौजूद। और जदों इंसान कहे कि कोई रजनी बड़े बड़े गुनाहगार मौजूद ने और फलां गुनाहगार है और मेरे तो भी बड़ा है, कोई मसला नहीं, जो इंसान दिलेरी करे गुनाह तो फिर ये रहमत और इनामात का सिलसिला नहीं होता। तो जो बंदा मकामी तकवा से आ जाए उदे समरात फवाद से गौर कीजिए, अल्लाह की अनायात से गौर कीजिए कि अगर तुम मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे, गुनाह तो बचोगे, गुनाह की नफरत तुम्हारे दिल पैदा हो जाएगी तो मुत्तकी बन जाओगे, फिर कैफियत की होए और अल्लाह की तरफों इनाम और सिला की नसीब होएगा। कुरान के अल्फाज के अंदर फरमा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमानदारो इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह को डर जो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, गुनाह तो बचो और हर मामले अल्लाह को डरो। कोई मामला हो अल्लाह का डर तुहाडे दिलो दिमाग पैदा हो जाए कि अल्लाह देख रहे है और गुनाह तो जो बचाओगे। दूसरी शर्त फरमाया वामिनो बिरसूले, और ईमान ले आओ प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ते ईमान ले आओ, तकवा इख्तियार करो, ये दो वस्फ पैदा हो जाओ, ईमान और तकवा आपस ही लाज़िम मलज़ूम, ईमान होए और तकवा होए फिर इनाम की मिलेगा। फरमायो अते कुम किफलैन मिन रहमतही, मैं अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा तुहानू अता फरमावा, अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा, जदों भी मैं रहमत करांगा ना दोहरी रहमत तुहाडे ते करा, दुगनी रहमत करांगा दोहरी रहमत। और दूसरी बात वयजअलकुम नूरन तमशून बे, और तुहानू ऐसा नूर अता करांगा जिहदे अंदर तुहानू चलना आसान हो जाए, इस नूर च रोशन तुसी चलोगे तुहानू ऐसा नूर देंगा। हुण तुसी सोचो चलण लई नूर काफिर दी अखां च मौजूद, फासिक भी चलता है अखां उहदियां भी मौजूद, जालिम भी चलता है, कातिल भी चलता है, डाकू भी चलता है, हर किस्म का गुनाहगार मुशरिक काफिर बिदअती जिस कैफियत जिस हालत के अंदर भी है अखां का नूर उसके पास भी है। लेकिन कुरान आंदा है ईमान लाओ तकवा इख्तियार करो तो मैं तुहानू चलण वास्ते रोशनी और नूर अता फरमाव। वो नूर केड़ा है जिहड़ा कुफार कोल कोई नहीं, वो नूर केड़ा है जिहड़ा अहले शिरक कोल कोई नहीं, वो नूर केड़ा है जिहड़ा अहले बिदत कोल नहीं, वो नूर केड़ा है जिहड़ा फासिक और फाजिर लोगों के पास नहीं। वो केड़ा नूर और केड़ी रोशनी जिहड़ी अल्लाह अहले तकवा नूं अता फरमांदा है। याद रखी एक ऐसा नूर एक ऐसी रहमत क़यामत वाले दिन जिस दे नाल इंसान चलेगा और दुनिया च भी इस नूर नाल इंसान चलता है, उसनों अल्लाह ताला जहालत फितने और कुफ्र जलालत और शिरक दे उरूज और दौर च अल्लाह उसनों अकीदा है तौहीद और नबी की सुन्नत दे चलन की तौफीक अता फरमा। यह है नूर यह है रोशनी। हदीस सुनिए सरवर कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत करीब दज्जाल आए और दज्जाल एक ऐसा फितना है जिस तो हर नबी ने पनाह मांगी, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी और फरमाया कि क़यामत करीब फितना ज़ाहिर होएगा दज्जाल आए और उस दज्जाल दे माथे उते काफिर लिखे होए, काफ फा रा ये तीन हर्फ लिखे होंगे, काफ फा रा के काफिर अखां मौजूद ने, कुफार दी अखां मौजूद ने, अहले शिरक दी अखां मौजूद ने, अहले बिदअत दी अखां मौजूद ने, पढ़े लिखे भी होंगे, डिग्री होल्डर भी होंगे, बड़े बड़े तालीम याफ्ता होंगे,
लेकिन कुरान हदीस ने फरमाया कि उन्हां दा लिखिया माथे ते वह पढ़ नहीं सकणगे, अंधे हो नहीं पढ़ सकणगे। उहदी शोभदा बाजी आ, उहदे ड्रामे, उसनों कुछ इम्तिहान लई, अजमैश लई कुछ ऐसिया चीज़ा अल्लाह उसनों दित्तिया होणगियां, लोगों के ईमान के इम्तिहान लई। मुरदियां नूं जिंदा करेगा, बारिश जिथे कहेगा बरस पड़ेगी। इस किस्म के इख्तियारात अल्लाह उसनों देगा ताकि लोग दी अजमैश की जाए। हुण दसो तुसीं गौर करो, साढ़े मुआशरे अगर कोई शख्स मुरदे नूं जिंदा कर दे तो क्या इस कौम जहालत की तारीकी फंसी हुई कौम उसनों सजदा नहीं करे? कितना बड़ा कोई पहुँची होया। याद रखिए, पहुँचण दी ये दलील नहीं है कोई मुर्दों को जिंदा करे, तब भी ये वलायत की दलील नहीं है। जहाँ चाहे और कहे और बारिश बरस पड़े, ये भी वलायत की दलील नहीं है। और हवा में उड़ा फिरे, ये भी वलायत की दलील नहीं है। कोई शख्स दरिया पर पानी पे खड़ा होके इबादत करे, उसको पाँव को पानी न लगे, इतना बड़ा शौक का या इतनी बड़ी कोई करामत जहर कर दे, तब भी वली नहीं है। जितना मर्जी हवा में उड़ता फिरे, तब भी वली नहीं है। वली होने के लिए एक ही शर्त है, उसकी सीरत भी ऐसी हो, सूरत भी ऐसी हो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। ये विलायत, इसके अलावा कोई विलायत नहीं है। ये तो दज्जाल के पास भी शोभताबाजियाँ होंगी, वो भी मुर्दों को जिंदा कर देगा, वो भी बारिशें बरसाएगा, लोगों की जहरी मुश्किलात को हल करेगा। लोग समझेंगे ये मुश्किल कुशा है, ये हाजत रवा है, ये हमारा रब है, ये हमारा माबूद है, ये हमारा दाता है, ये हमारा गौस है, ये हमारी फरियादें सुनने वाला है। वो अंधे आँखों के बावजूद, डिग्रियों के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद उसके साथ ही बन जाएंगे, उसके साथ चल निकलेंगे। कुरान ने क्या वह यज अल्लकुम नूरन तमशूना बेह, ईमान और तकवे की बुनियाद पर एक अल्लाह ऐसा नूर रोशनी अता करेगा। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत का अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, एक लफ्ज हर्फ लिखा हुआ और वो न पढ़ सके, लेकिन जब वो दज्जाल उसके सामने आएगा, उसके माथे पे काफ फारा लिखा हुआ, वो अनपढ़ भी पढ़ लेगा। क्यों? उसके पास नूर कुरान का होगा, नूर मोहम्मद की हदीस का होगा। ये है असल नूर, ये असल रोशनी। जेड़े आँखा वाले और जेनो दिमाग वाले नू हासिल नहीं, नूरन तमशू न बे, नूर अल्लाह ता फरमांद है। शिरक जलालत गुमराही अंधेरे, जो मुशरिक शिरक अंदर फंस जाए, अल्लाह की कसम उसने रोशनी नजर नहीं आ। मुर्दों को सजदे, मुर्दों के चढ़ावे, मुर्दों की नजरें, मुर्दों की मनते, मुर्दों की न्यासें, और मलंगों और कलंदरों और दंगे बरहना लोगों के सामने सजदे और चढ़ावे और उनको मजूब और मुश्किल कुशा मानना, बतलाओ यह देर नगरी नहीं है तो क्या? वयजअल्लकुम नूरन तमशून बे, मुशरिक अंधा होता है। मुशरिक के पास न अकल, न दिमाग, न सोच, न फिक्र, न आँखों, ये जहरी आँखें नहीं। वयजअल्लकुम नूरन तमशून बे, अल्लाह के तौहीद की बुनियाद पे, तकवे की बुनियाद पे ऐसा नूर रोशनी अता फरमंद है, ये दी जरिए इंसान शिर्क तो और बिदात तो बच जा। अल्लाह दी रहमत इनाम हर इंसान दे नसीबे अंदर नहीं। कुरान ने शर्त लाई, फरमाया यो अल्लदीना आमनु तकुल्ला व आमिनु बिरसूले युअतिकुम किफ्लैन मिन रहमतिही व यजअल्लकुम नूरन तमशून बे। फरमा दोहरा अजर देंगा, मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे, ईमान सही करोगे, दोहरा अजर देंगा और रहमत का और ऐसा नूर रोशनी अता करांगा जिदे अंदर तुम चलोगे फिरोगे और तुम किसी अंधेरी नगरी तो बच जाओ। अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमन युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इला नूर। अल्लाह फरमाता है जब मेरी दोस्ती बन जाए इंसान नाल, मैं अंधेरिया चो निकाल के नूर ते रोशनी अता फरमा। ये रोशनी क्या है? क्या बहुत सारे ऐसे लोग ने कहीं उरस मेला लग्या होए तो अल्लाह की पनाह देखिया करो, औरत जवान औरत जवान मर्द
पूरे पिंड बस्ती इलाके महल्ले ऐलान होंगे उर्स लगे सारे मर्द भी औरतें भी इकट्ठे जुतियाँ उतारियो या पाँव से नंगे होटलों पे रोडों पे खड़े इख्तलात गंद माहौल गिलाजत बेपर्दगी बेहयाई हूटिंग आवाज़ें ये सारे मुआशरे मौजूद ने ये क्या है जलालत गुमराई अंधेर नगरी है शिरक है नजर नहीं आता इंसान अंधा हो जा कई कई दिन औरतों छोड़ आते नौ रातें यहाँ गुजारे बेटा होगा हूँ मर्द अपनी बीवी नू और भाई अपनी बहन नू शौहर अपनी बीवी नू बाप अपनी बेटी नू छोड़ आए दरबार पर नौ रातें रहने के लिए खुद वापस आ जाए कि नौ दिनों बाद वापस आ जाए कि ले आऊँगा और बेटा हो जाएगा अल्लाह रहमत करेगा इनाम देगा ये अंधेर नगरी नहीं है ये अंधेरा नहीं है आँखें हैं लेकिन नूर नहीं है आँखें हैं लेकिन रोशनी नहीं है आँखें हैं लेकिन गैरत मौजूद नहीं है तो याद रखिए यजअलकुम नूरन तमशूना बे रोया करो अकीदा तौहीद वबस्ता लोगो रोया करो कि अल्लाह ने इस पुरफितन दौर ऐसा नूर अकीदा तौहीद अता फरमाया गैरत इज्जत हया शर्म परदा जो कुछ है ये नूर अंतम शू नबे ये अल्लाह की तरफों अता करता नूर है जिसे तुम चल रहे हो वगरना देखो बिदात देख लो एक एक सुन्नत पे हम क्यों खड़े एक एक सुन्नत पर हम क्यों मर मिटते एक एक बिदत को एक लफ्ज़ को जुमले को हम लेने के लिए पसंद नहीं करते और नहीं लेते नहीं पढ़ते नहीं अमल करते नूर अंतम शू नबे ये मोहम्मद की सुन्नत की नूर है जो अल्लाह ने सनु अता फरमा नहीं ले बिदत जलालत गुमराही अंधेरा है जहन्नम में ले जाने वाले अंधेर नगरी है ये नहीं लेते हम ऐसा नूर ऐसी रोशनी अल्लाह सुन्नत पे अमल दी रोशनी अता फरमा दे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो बहुत सारे अनपढ़ ऐसे लोग मेरे इल्म के अंदर ने जिन्होंने अल्लाह ने अकीदा तौहीद का नूर अता फरमाया अल्लाह ने दीन का मुबल्लिग बना दाई बन गए लोगों समझाने वाले बन गए कुरान दी फामी हदीस दी फामी दीन फामी अल्लाह ने अता फरमा वयजअलकुम नूरन तमशून बे तकवे दी बुनियाद के अल्लाह तो नूर अता करेगा जिद ना तुम चलोगे और क़यामत वाले दिन भी जो अंधेरा होएगा चेहरे लोगों के स्याह होंगे तमशून बे उस अंधेरे अंदर भी अल्लाह क़यामत नू भी चलन की तौफीक अता फरमाएगा और मुहम्मद मुस्तफा को पहुँचने की कुव्वत और अल्लाह ताकत अता फरमा नूर अन तमशू नबे अल्लाह ऐसा नूर देगा कबर भी रोशन हो जाएगी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन दी मुत्तकी इंसान की कबर ताहत दे निगाह खुल जाती है वसी हो जाती है मुनव्वर हो जाती है रोशनी होती है और उसके वास्ते जन्नत दरवाजे खिड़की खोल दी जाती वयजअलकुम नूरन तमशू नबे दुनिया अंदर भी कबर अंदर भी और आखिरत के अंदर भी अल्लाह तकवे की वजह तो रोशनी और नूर अता फरमा आगे अल्लाह पाक ने दूसरा सिला देता है दूसरा समरा फरमावा यग़फिर लकुम नूर भी देंगा रोशनी भी देंगा जे तुम चलोगे फैसले करोगे घर के अंदर इत्मीनान रहेगा सुकून रहेगा परेशानियां खत्म हो जाएंगी लड़ाइयाँ झगड़े फितने फसाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी नूर अंतम शू नबे अल्लाह रहमत फरमा देगा नूर रोशनी देगा व यग़फिर लकुम अल्लाह फरमा दे ने नाल तुहाड़े गुना भी माफ़ फरमा देंगा तकवा इख्तियार करो तुहाड़े गुना भी माफ़ कर देंगा दोहरे अजर दोहरिया रहमत इस पर मुहद्दिसीन ने बड़ी बात लिखी दोहरा अजर दोहरी रहमत दोहरा सवाब क्यों फरमाया इस वास्ते कि अमाल दोहरे ने पहली बात या अय्युह अल्लज़ीना मनुत्तकुल्लाह वामिनू बिरसूलिही ऐ ईमानदारो तकवा इख्तियार करो और ईमान ले आओ रसूल रहमत जनाब मुहम्मद सल्लम दी ज़ाते पाक ते फिर अगे रहमतां दी अनायात रहमतां दी बरसात होएगी मुहद्दिसीन फरमाते ने कुरान पाक ने दो चीज़ें हुक्म दिता तकवा और ईमान ते अल्लाह फरमा दो राजर देंगा नाले ईमान का अजर नसीब होएगा नाले तकवे का अजर नसीब होएगा नाले गुनाहों तो बचण का अजर नसीब होएगा नाले नेकी करन दा अजर अल्लाह ता फरमाएगा
फरमा दोहरे अजर रोशनी अल्लाह ता फरमाएगा। और कुरान पाक दे अंदर एक दूसरी आयत गौर फरमाइए जेदे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है तकवे का समरा बयान किया है फरमाया अय्यो अल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा। ईमानदारो तकवा इख्तियार करो, ये तकवा इख्तियार करोगे दूसरी बाबा कोलो कौलन सदीदा सच्ची और सीधी बात करो साफ सुथरी बात करो। ये दो खूबियां पैदा हो गई आम पिछली आयत अंदर फरमाया है ईमान ले आओ ते तकवा इख्तियार करो ते दो राजर दे आंगा। इस आयत अंदर फरमाया है ईमानदारो तकवा इख्तियार करो ते सच्ची और सीधी साफ सुथरी बात कीता करो। वयुसलिह लकुम आमालकुम जे तुसी साफ सुथरी बात करके तकवा इख्तियार करोगे मैं अल्लाह जमाना देना वयुसलिह लकुम आमालकुम मैं तुहाड़े जिंदगी दे सारे अमाल तुहाड़े सारे काम आप सुधार देंगा सारे काम सुधर जाण। वयुसलिह लकुम आमालकुम अमाल सुधार देंगा। इसते मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन लिखिया वयुसलिह लकुम आमालकुम दे की मान है कि अल्लाह नेकी करना बंदे वास्ते आसान फरमा देगा, नमाज पढ़ना आसानी हो जाएगी, जुम्मा पढ़ना आसान हो जाएगा, दीन दे उत्ते अमल करना आसान हो जाएगा और गुनाह तो नफरत और गुनाह दी बारे इंसान दे अंदर जनाब नफरत पैदा हो जाएगी, उस तो बंदा इंसान दूर हो जाएगा, नेकी आसान हो जाएगी, नेकी वल बढ़ेगा ना। साढ़े वास्ते नेकी मुश्किल होती है ना, अजान आए तो दिमाग वजनी हो जाता है भाजी हूँ जोर पड़ी सी असर आ गई, अजे हुण ही पढ़ के आया सा मगरब ते शादी जमात वक्त हो गया, दिमाग बोझल हुंदा है भारा हुंदा है। ते सरवर कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे सन ऐ बिलाल जदों नबी अलैहि सलातु सलाम परेशान हुंदे या तकलीफ अंदर महसूस करदे आप बाहर निकलदे बिलाल नूं आवाज़ देंदे बिलाल अजान दा वक्त नहीं होया, अजान दिओ ताकि मुहम्मद दे दिल नूं सुकून पहुँचे, राहत आ सुकून है इत्मीनान है। मोमिन लई आसानी होंगी है नेक अमाल च या अय्यो अल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युसलिह लकुम आमालकुम तुहाडे सारे मामलात सवार देंगा जे तकवा इख्तियार करोगे। जितो परेशानी आएगी उत्थे ही मैं रहमत फरमा देंगा, जिते तकलीफ आने लगेगी उत्थे ही रहमत अता फरमा देंगा। मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लम दे घर अंदर किसी मसले अंदर अपनी सौजा मोहतरमा सईदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला दे नाल किसी मसले अंदर इख्तिलाफ होया झगड़ा होया नबी अलैहिस्सलाम गुस्से अंदर जलाल अंदर आए और आपने इरादा फरमाया। एक रवायत के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने इरादे को पूरा फरमाया, दूजी रवायत अंदर आपने इरादा फरमाया कि मैं हफ्सा बिनते उमर नू तलाक दे देंगा, उमर फारूक की बेटी और नबी अलैहिस्सलाम की सौजा मोहतरमा फरमा मैं इसनों तलाक दे देंगा इरादा फरमाया है। या तो आपने तलाक दे अल्फाज कह छड़े ने, कुछ दिन गुजरे ने जिबरील अलैहिस्सलाम आए फरमा महबूब जी अल्लाह पाक फरमाते ने हफ्सा नू तलाक नहीं कहनी, वजह की है फरमा इन्नहा कव्वामा वसव्वामा तुहाड़े घर अंदर सब तो ज्यादा नमाज पढ़ने वाली ते रोजा रखने वाली यही ते औरत है, इनू घर चो नहीं निकालना, ये साहेब तकवा और साहेब तकवा औरत है। तकवे की बुनियाद रब ने वादा किया है या अय्यो अल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युसलिह लकुम आमालकुम। ऐ ईमानदारो तकवा इख्तियार करो थोड़े अपने सारे अमाल सुधार देंगा, सारे मामलात आसान कर देंगा सुधर जाएंगे। ये तकवा इख्तियार नहीं करोगे कोई हर मामले ही फंसे, जे रिश्ते दे मामले आते ताम फंसे, पता नहीं क्यों होंगे जी लोग आते वेंदे ने रिश्ता फिर जवाब हो जाता, हाँ आती है फिर जवाब हो जाता, कदे उलझाओ मुकदमा भी फंसे, कदे जाली मुकदमा भी फंसे, कदे कोई उलझाओ कदी कोई उलझाओ कदी कोई परेशानी कदे कोई परेशानी, नहीं सोचता परेशानियाँ आदियाँ क्यों ने आंदा मैं परेशानियों चो मुसीबत चो निकलता नहीं। अल्लाह फरमाता तकवा इख्तियार करो, सच्ची बात करो, सीधी बात करो ते मैं तुहाड़े अमाल तुहाड़े काम तुहाड़ी जिंदगी तुहाड़े मामलात खुद आप अल्लाह सवार देंगे, हर रुकावट खत्म हो जाएगी। पता नहीं सानू किसी रिश्ते साढ़े बन्ने हुए साढ़े तो रुकावट आई हुई ने, और किसे नहीं बन्ने अल्लाह के बंदे हो तो आप बन्ने हुए ने, गुनाह तो तुसी करदे हो सियाती तुसी करदे हो, परदा घर कोई नहीं, नमाज घर कोई नहीं, तिलावत घर कोई नहीं, और अल्लाह का डर खारिज कोई नहीं, हराम
दी कमाई मौजूद है, हलाल दी कमाई कोई नहीं, किसे नहीं बनने रिश्ते तो सा आप बने, किसे ने कोई रुकावट नहीं बनाई, रुकावटा सारिया तुहाडिया ने, अल्लाह को डर जाओ, किसे तावीज की लोड़ नहीं पड़ेगी, युसलिह लकुम अमालकुम, किदे इज्जत लुटाण की लोड़ नहीं पड़ेगी, किदे धी बच्ची ले जाण की लोड़ नहीं पड़ेगी, युसलिह लकुम अमालकुम, तौहीद इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, सच्ची बात करो, अल्लाह फरमांदा तुहाडे मामलात आसान कर दिया। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी गुजरी 100 साल तक, सहाबा किराम 110 साल दौर है असहाब रसूल का, ले आइए कोई कबर, कोई उर्स, कोई मेला, कोई चढ़ावा, कोई नजरो न्याज, कोई तावीज, कोई गंडे, कोई गट, कोई यरकान के, कोई एक चीज तो लाई, कोई अस्ताना, कोई सरकार, कोई बायत, कोई सिलसिला, कोई टोपी, कोई खास रंग, कोई एक कोई हवाला तो पेश कीजिए, नहीं है, क्योंकि तकवा है, अल्लाह सारे मामलात खुद आसान फरमाए, साढ़े तकवा और गैरत मौजूद नहीं है, ये सारिया रुकावट जनाब असेब और जादू और तकलीफा दिया रुकावट नहीं, रुकावट मुहम्मद की नाफरमानी दिया, रसूल्ला की नाफरमानी जो रुकावट ने, घर रहमत नहीं है, सुकून नहीं है, इनाम की बुछाड़ नहीं है, रहमत का नजूल का सिलसिला नहीं है, क्योंकि रसूल्ला की नाफरमानी, नाफरमानी। देखिए सैयदना सईद बिन मुसैब रहमहुल्ला हज के सफर ते जा रहे, दोस्त अलविदा करन वास्ते आए, घरों रुखसत करन वास्ते आए, तो एक शख्स आया अलविदा करन वास्ते, तो इमाम सईद बिन मुसैब रहमहुल्ला फरमान लगे कि तुसी लेट आए और तुसी निकल रहे सा, तुसी किधर सो? कहन लगे जी मैं मस्जिद सा, फिर तुहाडा ख्याल आया कि तुसी चले जाओगे तो मैं आ गया तुहानू रुखसत करन वास्ते। फरमाया क्या अजान नहीं सी हो चुकी? कहन लगे जी जी अजान हो गई सी मस्जिद, फिर मैं आया, तुसी ख्याल आए और मैं सोचा ब चलो मैं भी अगे निकल जाऊँगा, कोई साथी चले गए ने और मैं भी नमाज जाके आगे पढ़ाँगा और तुहाडा मुलाकात भी हो जाएगी। फरमाया जदों मस्जिद चो निकले सो अजान हो चुकी सी या नहीं? फरमाया जी हाँ अजान तो हो चुकी सी। फरमाया तुसा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस नहीं सुनी? आपने फरमाया जदों मस्जिद अजान हो जाए और जो मस्जिद मौजूद होए ओ सिवाय इंसानी हाजत दे कदाए हाजत जरूरत होए या ऐसा कोई काम जरूरी पड़ जाए कि फौरी वो करके जमात तो पहले पहले मस्जिद पहुँच जाएगा, उन्होंने निकलने की इजाज़त है। इस तो इलावा जिसका इरादा होए कि मैं वापस नहीं आना, उन्होंने अजान तो बाद मस्जिद चो निकलने की इजाज़त नहीं है, तो तुसी क्यों निकले? फरमाया मैं जाके नमाज आगे पढ़ लाँगा। फरमा मस्जिद अंदर अजान सुन के बाहर क्यों निकले? क्या हदीस तुहाडे इलम च नहीं है? फरमाया हदीस तो है इलम च, लेकिन मैं जरूरी समझदा सा कि साथी चले गए ने, तुहाडे मुलाकात लागे चला जा। फरमा अजान सुनने तो बाद मस्जिद चो क्यों निकले? कहन लगे नमाज पढ़ लाँगा। फरमा पढ़ लोगे, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया निकलने की इजाज़त नहीं, तुसी क्यों निकले? इमाम सईद बिन मुसैब रहमहुल्लाह हदीस पढ़ते रहे, वो अपने घोड़े से सवार होकर चला गया कि नमाज आगे पढ़ लाँगा। हजे थोड़ी देर अगे इमाम सईद बिन मुसैब चले सन, इतला आई कि वह शख्स घोड़े तो गिरया, उसकी टांग टूट गई है। इमाम सईद रो रहे ने, क्यों ना टांग टूट दी जो मुहम्मद की नाफरमानी करे, रसूलुल्लाह सल्लम की नाफरमानी करे, क्यों ना समैश, क्यों ना तकलीफ आए, ये आनी सी, क्योंकि रसूलुल्लाह की हदीस सुनने तो बाद उसने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की। सोचिए टांगे टूट गई, बाजू टूट गया, उंगलियां टूट गई, बीमारियां हमें लग गई, रसूलुल्लाह की हदीस है, सुनिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त सूद आम हो जाए, गाने मौसीकी दे आलात आम हो जान और तुसी उहदे च मुलव्वस हो जाओ, आपने फरमाया मेरे सहाबा सुनो जदों एक कैफियत तुहाडी पैदा हो जाए कि सूद आम हो जाए और गाने शने आम हो जान, उस वक्त अल्लाह को डरदे रहना कि अल्लाह तुम्हें बंदर न बना दे, खिंजीर न बना।
फरमाया फिर अल्लाह तरफों पकड़ दा इंतजार करना, गिरफ्त दा इंतजार करना, मसायब व तकालीफ। सैयदा आसमा बिनत अबी बकर रजी अल्लाह तआला सर नू दर्द हो गया। कितनी बड़ी तकलीफ है, सर नू दर्द, सर को दर्द हो गया। सैयदा आसमा बिनत अबी बकर रजी अल्लाह तआला, सैयदना सिद्दीक की बेटी है, सर नू दर्द हो गया। कई दिन इलाज मुआलजा कराया, ठीक ना होया। किसी औरत ने कहा तुहानू सर दा दर्द क्यों नहीं जा रहा? फरमाया हाँ मेरे इल्म च है, मेरे को गलती हुई सी जिहदी वजह तो अल्लाह ने पकड़ दी थी। मैं अल्लाह को तौबा करनी अपनी गलती दी, अपनी गुनाह दी, बस तौबा की थी, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। ये युस्लिह लकुम अमालकुम, सेहत चाहते हो, बीमारियों से नजात चाहते हो, रसूलल्लाह ने फरमाया जो सूद और गाने आम हो जान, मैं मोहम्मद खबर देना, ऐसिया बीमारियां देखोगे और तुहानू लगन गियां जिहड़ियां तुम्हारे बीमारियां तो बारे बाप दादा ने उनके नाम भी नहीं सुने थे। ये रसूल्ला की हदीस है। बतलाओ ये जितनियां बीमारियां हमारे मुआशरे में इनके नाम सुने थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक 20-30 साल पहले चले जाए, नाम ही नहीं थे इन बीमारियों के। ये बीमारियाँ नहीं हैं, ये मोहम्मद की नाफरमानी की सजाएँ हैं जो हम पर मुसल्लत कर दी गई। युस्लिह लकुम अमालकुम, युस्लिह लकुम अमालकुम, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान फरमा देगा, रहमत फरमा देगा। बगैर दवाई के अगर बीमारी आ सकती है तो बगैर दवाई के अल्लाह शिफा भी अता फरमा। हदीस है सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया जो बीमारी जिस शख्स को आ जाए वो इलाज न करवाए, अल्लाह पर तवक्कुल कर ले, अल्लाह बगैर हिसाब की जन्नत अता फरमा दे। बीमारी या दवाई तो बगैर बीमारी नहीं आती, दवाई खा के बीमार होते हो या वैसे बीमार हो जाता है इंसान, जो तो बीमार हो जाए इदा मतलब है अल्लाह जे बीमारी लाण ते कादर, बगैर दवाई तो ते अल्लाह शिफा देन ते भी कादर। वादा है रब, इत्तकुल्ला वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम। सुनिए एक मुहद्दिस दे बारे आंदा है कि कर्ज चढ़ गया, मकरूज हो गए, इतने मकरूज कि फरमाते ने मैं सोचता भी नहीं सोचता सा कि मेरा कर्ज मेरी जिंदगी मेरे वजूद तो इतना भारी और वजनी है कि उतर नहीं सकता। लोगों ने पूछा तुम मकरूज हो क्यों गए, थोड़ी तो जिंदगी बड़ी आसान सी, क्यों मकरूज हो गए, की वजह बनी? फरमा मुझे यकीन है, मुझे इल्म है कि आज तो 40 साल पहले मुझसे गुनाह हुआ था, आज अल्लाह की पकड़ आसमान से उतरी है जमीन। ये कर्जों में जकड़े हुए, सूदों में जकड़े हुए, कर्जों में जकड़े हुए लोगों, गुनाह है, गुनाह गुनाह छोड़ी, नाफरमानी छोड़िए, तकवा इख्तियार कीजिए। युस्लिह लकुम अमालकुम, अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत नाल तुम्हारी जिंदगी ने सौखियां कर देगा, आसान कर देगा। उसका वादा कि तकवा इख्तियार करो और अल्लाह अपने वादे की मुखालफत नहीं करता, उस तो बड़ा कौन है वादे का पक्का, कादिर है अपना वादा पूरा करने पर। फरमाया इत्तकुल्ला वकूलू कौलन सदीदा, फरमाया तकवा इख्तियार करोगे जिंदगी आसान करके गुनाह मिटा देंगा और ऐसी कामयाबी देंगा, अजीम कामयाबी अता फरमावांगा। लेकिन शर्त की रखिए, फरमाया मैं युतिल्ला व रसूलहु फकद फाज़ा फौज़न अजीमा, जेड़ा बंदा अल्लाह की इताअत करे और प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, अल्लाह फरमाते हैं फकद फाज़ा फौज़न अजीमा, वो यकीनन कामयाब हो गया और बड़ी कामयाबी अता फरमाई। कामयाबी केड़ा बंदा है साढ़े जो जेड़ा कामयाब नहीं होना चाहता, कहाँ है कामयाबी? क्या हमारे जेन दिमाग काम नहीं करते? सोचिए कहाँ है कामयाबी? अपने मोहल्ले की मस्जिद पे गौर कीजिए, 5 वक्त क्या तुम्हारे मोहल्ले में आवाज़ नहीं आती हैया अलस सला हैया अलल फल? क्या माना है? आओ नमाज पढ़ो, आओ कामयाबी की तरफ। जब अल्लाह 5 वक्त ऐलान करवाता है कामयाबी लेना चाहते हो तो मस्जिद में आओ नमाज पढ़ो, तुसी बाजार जाते हो अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करो, कामयाबी तरफ ना आओ फिर जलील हो जाओ तो कहो मैं कामयाब नहीं होता, कामयाबी की तरफ तुसी आए ही नहीं, अल्लाह की आवाज़ पे लबैक ते किया ही, कामयाब करने वाला अल्लाह तो अल्लाह आवाज़ दे रहा है हैया अलल फला,
कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह की जमानत है। وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا। और अगर तकवा इख्तियार कर लो तो अल्लाह तुहानू जहन्नम तो बचा के पुल सरात तो आसानी ना गुजरन की तौफीक अता फरमा। कुरान पाक के अल्फाज सुनो, अल्लाह पाक ने फरमाया कोई ऐसा शख्स नहीं होएगा, अल्लाह का वादा है, फरमावा मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक्ज़िया। हतमी रब का फैसला है कि हर शख्स ने जन्नत में जाने से पहले पुल सरात से गुजरना है और आगे जाना है, पुल सरात से आगे जन्नत, इधर फैसला होगा। अल्लाह फरमाएगा उन गुजर जाओ, ये पुल है, इस पुल से गुजरो और आगे जन्नत। हतमम मक्ज़िया, हतमी रब का फैसला है कि हर शख्स ने उस पुल के ऊपर से गुजरना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कुछ ऐसे लोग गुजर जाएंगे जैसे बिजली चमकती इतनी तेज़ी से गुजर जाए, कुछ लोग हवा की तेज़ी के तरह गुजरेंगे, कुछ लोग घोड़े की रफ्तार में जितनी तेज़ी होती है उस अंदाज में गुजरेंगे, कुछ पैदल चलने वाले की सूरत में आराम से गुजर जाएंगे, कुछ गिरते गिरते निकल जाएंगे और फंसने वाले फंस जाएंगे और नीचे जहन्नम होगी, जहन्नम में गिर जाएंगे। हर शख्स ने गुजरना है उस पुल सरात से जिदे बारे सुन दो तलवार से तेज है और बाल से बारीक है। ये मत सोचो कि ये कैसे हो सकता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, जो अल्लाह बयान करे जो रसूल बयान करे वो हक को सच, ईमान रखे। गुजरना है, अब गुजरने के लिए ज़ादे रख, उस पुल से गुजरने के लिए सवारी ज़रूरी नहीं है, बिजली की तरह अल्लाह गुजार देगा, तेज़ी के साथ अल्लाह गुजार देगा। शर्त सुनिए, फरमा सुम्मन नजिल्लज़ीन तक़ौ व नज़रुज़्ज़ालिमीन मिन हाजिसिया। फरमा सुनिए, हर नाफरमान जहन्नम के उस पुल के नीचे जहन्नम में गिर पड़ेगा, गुजरेंगे तो वही जिनके दिल के अंदर तकवा होगा। तकवे वालों को अल्लाह पुल सरात से पार गुजार देगा। और कुरान पाक का अगला फैसला सुनिए, फरमाया अगर तुम तकवा इख्तियार करो तो मैं तुहानू इनाम की देंगा। फरमा तिलकल जन्नतुल्लती नूर सो मिने बादेना। फरमा जड़ा मेरे बंदियां चो मुत्तकी परहेज़गार होएगा उन्हें मैं जन्नतुल फिरदौस दा वारिस बना देंगा। वारिस बना दे, तकवे का समरा देखिए, वारिस बना देंगे। या मुफसरीन ने लिखा है किसी ने कोई चीज़ वरा देनी हो ना, हिबा भी हो सकती, हिबा हो सकती है या इंतकाल उसके नाम पे चलाया जा सकता है। दो लफ्ज़ नहीं बोले, नूर सो हम वारिस बना देंगे। मुफसरीन लिखा है वारिस लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, इसमें कामिल तरीन मिल्कियत का तसव्वुर पाया जाता है, हिबा का वापसी होना मुमकिन है, इंतकाल हो जाएगा तो मैं दे दूंगा, हिबा दे दूं, कर दूंगा, तोहफे में दे दूंगा, तोहफे का हिबे का वापसी मुमकिन है। जिस चीज़ का बंदा वारिस हो जाए वो वापस नहीं जा सकती, वो विरासत होती है। फरमाया तकवा इख्तियार करो तो मैं जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दूंगा, यानी वापस नहीं लूँगा, कामिल तरीन मिल्कियत तुम्हें दे दूँगा अगर तुम तकवा इख्तियार करो। और तकवे का आखिरी समरा सुन लो, जेड़ा सानू खदशा होंदा है, हर बंदे नू खदशा होंदा है, जवान है बूढ़ा है, हर बंदे नू डर होंदा है यार मेरी औलाद बच्चियां ने बच्चे ने कितने मौत ना आ जाए, मर ना जाओ, मेरे जीते जी औलाद मेरी ठिकाने लग जाए, बच्चियां दे रिश्ते हो जान, बच्चे का कारोबार बन जाए, कारोबार हो जाए और ये सेट हो जाए, इनको कोई बाप की अब ज़रूरत ना रहे तब मुझे मौत आए। अल्लाह फरमाता है तुम्हें डर होंदा है, खतरा होंदा है। हुण कुरान पाक सुनो, फरमा वल यक्षल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन। जेड़े लोगों नू डर रहे डरते हो कि हम मर ना जाए, मौत ना आ जाए, साड़ी औलाद छोटी छोटी ना रह जाए और ये औलाद ज़ुर्रियतन ज़ियाफन कमज़ोर हो छोटी हो नापालिग हो वो रह ना जाए,
हम ये औलाद दे तो हम अपनी औलाद के सारे मामलात सवार के बना के फिर दुनिया से जाए, इतनी जिंदगी हमें मिले। डरते हो, कहते हो ख्वाहिश है तुम्हारी, या अल्लाह हर बंदे की ख्वाहिश है। अल्लाह फरमाता है फलियत्तकुल्लाह, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, ये चाहते हो, तो फिर मेरा ऐलान सुनो, मेरी तरफ से बशारत सुनो, खुशखबरी सुनो। फलियत्तकुल्लाह, फरमाया सुनो, तुम अल्लाह का डर तकवा इख्तियार करो। अगर तुम्हें मौत भी आ जाएगी, अगर ये मेरा फैसला भी हो जाएगा, मैं अल्लाह जमानत देता हूं तुम्हारी औलाद को तुम्हारे मरने के बाद कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। फलियत्तकुल्लाह लेवल यकूलु कौलन शदीदा, सच्ची सीधी बात करो और मेरा तकवा इख्तियार कर लो, तुम्हारी औलाद का मैं रखवाला खुद हूँ, जिम्मेदार खुद हूँ। शर्त यह है कि तुम नेकी पर फौत हो जाओ, तकवे पर फौत हो जाओ, तुम्हारी औलाद को मैं हर लिहाज से उनकी हिफाजत भी करूँगा, निगरानी भी करूँगा। बतलाओ अगर इस तरह के बंदे मैं आपके सामने पेश करूँ जो खुद नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, फौत हुए, अल्लाह ने उनकी औलाद को ज़ाय नहीं किया, बेदीन नहीं किया, उनको संभाला दिया है, उनको माल भी दिया है, रिजक भी दिया है, इज्जत भी दी है। ऐसे लोग मेरे सैकड़ों जेन में हैं, लेकिन ये अल्लाह का वादा है। बजाय इसके कि मैं अपने जेन या अपना तजर्बा बयान करूँ, कुरान के अल्फाज सुनिए, फलियत्तकुल्लाह, छोटी औलाद अगर तुम छोड़ के चले जाओगे, तकवे पर मरो, दीन पर मरो, इस्लाम पर मरो, नमाज पर मरो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी औलाद की पीछे निगरानी करना ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। मैं खुद वारिस होऊंगा तुम्हारी औलाद का, मैं जमा लूंगा तुम्हारी औलाद को। फिर कुरान अल्लाह ने एक मुकाम के सूरतुल काफ में वाकया बयान किया है, सैयदना खदीर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम दोनों जा रहे हैं, आगे एक दीवार, कच्ची दीवार है और डिग रही है, गिर रही है दीवार। सैयदना खदीर अलैहिस्सलाम उस दीवार को सीधा कर दिया। पहले उस पिंड दाखिल हुए, पिंड वाले ने कहा बस हम रोटी जो असी मेहमान मुसाफिर, पिंड वाले कोई बद अखलाक सन, कहने लगे थे तुम्हारे लिए रोटी को नहीं, दो मेहमानों के लिए पूरी बस्ती में खाना नहीं है, कोई नहीं है खाना, कोई नहीं है रिहायश, कोई नहीं है तुम्हारे लिए कुछ। एवें जब उन्हें इनकार किया, अगे गली चु गुजरे थे कि दीवार डिग रही थी, सैयद खदर अलैहिस्सलाम दीवार को पकड़ा, सीधा किया, अल्लाह ने यह कुव्वत ताकत उन्हें बख्शी थी, उन्हें पकड़ा, सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम साथ थे, बोल पड़े, इन्हें रोटी नहीं पूछी, इन्हें खाना नहीं पूछा, मेहमान नवाजी तो इनकार किया है, और तुमने इनकी दीवार को ठीक किया, इसका फलसफा क्या है, फलसफा क्या है, सुनिए। बुखारी की हदीस है, खदर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस दीवार के नीचे खजाना दफन था, इस एक दीवार के नीचे खजाना दफन था, और ये दो बच्चे इस घर में रहते थे, वो यतीम थे, उनका बाप फौत हो चुका था, उसने खजाना दफन किया था कि अगर मैं मर जाऊं और मेरी औलाद पीछे रह जाए तो वो ये परेशान ना हो, चलो जवान होंगे, बड़े होंगे, कभी घर को खोदेंगे, निकालेंगे तो इनको ख़जाना मिल जाएगा। बैंकों का निज़ाम भी था, उसने अपने घर के अंदर दीवार के नीचे उसको दफन कर दिया, ऊपर दीवार बना दी, कभी अल्लाह इनको दे ही देगा। वो मर गया तो कुरान में आता है, सुनिए कुरान में, सुनिए नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए जो सहीह बुखारी में है। खदर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दो बच्चे यतीम थे इस घर में और उनका ख़जाना यहाँ दफन था, और इनका बाप नेक था, मुत्तकी था, वो ख़जाना दफन कर गया था। जिनका बाप नेक हो उनकी औलाद को अल्लाह ज़ाया नहीं करता, उनके माल को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह का वादा है, वादा कीते फिर अल्लाह पाक ने उसकी मिसाल दी है कि देखो सूरतुल काफ पढ़ो, वहाँ मैंने यतीमों के ख़जाना को जो दफन शुदा था, मैंने दीवार को नहीं करने दिया, स्पेशल नबी भेजा, उसने दीवार को दुरुस्त किया, वो बच्चे छोटे थे, जब जवान हुए वो दीवार गिरी, नीचे से ख़जाना निकल आया। बतलाओ उनका बाप चूँकि नेक था, मुत्तकी था, कितने साल अल्लाह ने उनके माल को ख़जाने को महफूज रखा, ये अल्लाह का वादा है। आइए तकवा इख्तियार कीजिए, अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक बख्शे। अकूलु कौली हाज़ा वस्तफ़िरुल्लाह लि वलकुम सलाम मुस्लिमीन व आख़िरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह।